नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू डेयरी पाठशाला। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड रीजनरेशन एफिशिएंसी इन एचजीएसटी पास्चराइजर। नाउ एफिशिएंसी का सिंपल मतलब है आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट। ठीक है, कोई भी इक्विपमेंट है, कोई भी मशीन है, वो कितना एनर्जी कंज्यूम कर रही है और आउटपुट कितना प्रोड्यूस कर रही है। ठीक है, तो अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं बाइक का, ठीक है, मोटर बाइक का एग्जाम्पल लिया, सो वन टर्म इज देयर माइलेज। ठीक है, माइलेज कि बाइक 1 लीटर पेट्रोल कंज्यूम करने पे कितना किलोमीटर चल रही है। ठीक है, दैट इज इट्स बाय कंज्यूमिंग 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। ठीक है, दैट वी कॉल्ड इट्स माइलेज। माइलेज इज बेसिकली इट्स एफिशिएंसी। आप कुछ बाइक्स होती हैं जो 15 किलोमीटर की माइलेज देती है, कुछ 20, 30, 50, 60, राइट। सो वो बेसिकली क्या होता है, इट्स एफिशिएंसी। वो उस पर्टिकुलर मशीन की एफिशिएंसी है, राइट, परफॉर्मेंस है। अगर हम पाश्चराइजर की टेम्परेचर प्रोफाइलिंग की बात करते हैं कि किस पर्टिकुलर सेक्शन में क्या टेम्परेचर रहने वाला है पाश्चराइजर में, उसकी बात करें तो क्या होगा कि बैलेंस टैंक से 5 डिग्री सेल्सियस का मिल्क आया। ठीक है, ये था हमारा बैलेंस टैंक से मिल्क आया, दैट इज ऑफ 5 डिग्री सेल्सियस। इट विल गो इन टू द रीजनरेशन सेक्शन। ठीक है, रीजनरेशन सेक्शन में हमारा मिल्क गया कितना डिग्री सेल्सियस का होगा, दैट इज 5 डिग्री सेल्सियस का मिल्क हमारा रीजनरेशन में गया, और 65 डिग्री सेल्सियस का मिल्क हमारा रीजनरेशन से बाहर निकला, राइट। उसके बाद मिल्क हमारा कहाँ पे जाता है, हीटिंग सेक्शन। हीटिंग सेक्शन में मिल्क हमारा पाश्चराइजेशन टेम्परेचर तक हीट किया जाएगा, जो कि हमारा सपोज वी आर टेकिंग 75 डिग्री सेल्सियस। ये हीटिंग सेक्शन में मिल्क हमारा हीटिंग सेक्शन में 75 डिग्री सेल्सियस, देन इट विल गो इन टू द होल्डिंग ट्यूब। होल्डिंग ट्यूब के बाद मिल्क हमारा कहाँ जाएगा, रीजनरेशन सेक्शन। अगेन इट विल गो टू रीजनरेशन सेक्शन इन, तो टेम्परेचर हमारा क्या रहेगा, अगेन 75 डिग्री सेल्सियस का मिल्क हमारा रीजनरेशन में जाएगा, देन इट विल कूल डाउन टू 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 20 डिग्री सेल्सियस से मिल्क हमारा बाहर निकला, देन इट विल गो टू द कूलिंग सेक्शन, जहां पे मिल्क को 4 डिग्री सेल्सियस तक, 4 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा किया जाएगा, राइट। अब हीटिंग सेक्शन में मिल्क हमारा 65 से 75 डिग्री सेल्सियस तक हीट किया जा रहा है बाय यूजिंग हॉट वाटर। यहाँ पे हॉट वाटर का इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है, हॉट वाटर या फिर स्टीम का इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। वेयर एज इन कूलिंग सेक्शन, मिल्क को कूल डाउन करने के लिए हम लोग किस चीज का इस्तेमाल करते हैं, चिल्ड वाटर का। ठीक है, दैट इज वी आर यूजिंग चिल्ड वाटर। ठीक, अब रिमेनिंग हीटिंग और कूलिंग हमारी कहाँ पे हो रही है, दिस सेक्शन, रीजनरेशन सेक्शन। तो यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं रीजनरेशन सेक्शन में हीट एक्सचेंज किस किस के बीच में हो रहा है। दिस वन इज द पास्चराइज्ड मिल्क एंड दिस वन इज द रॉ मिल्क। ठीक है, तो पास्चराइज्ड मिल्क का ही यूज कर रहे हैं हम लोग रॉ मिल्क को हीट अप करने के लिए। ठीक है, अगर हम पास्चराइज्ड मिल्क का इस्तेमाल ना करें तो मिल्क को 5 डिग्री सेल्सियस से 65 डिग्री सेल्सियस तक हीट करने के लिए हमें क्या चीज इस्तेमाल करनी पड़ेगी, हमें हॉट वाटर का इस्तेमाल करना पड़ता। ठीक है, अगर हम रीजनरेशन सेक्शन ना लगाए पास्चराइजर में तो हमें हॉट वाटर या फिर स्टीम का ही इस्तेमाल करना पड़ता है मिल्क को 5 डिग्री सेल्सियस से 65 डिग्री सेल्सियस तक इस्तेमाल करने में। उससे क्या होगा, ज्यादा हीट लोड बढ़ेगा, स्टीम की रिक्वायरमेंट हमें ज्यादा रहती प्रोसेस में, तो उस स्टीम की रिक्वायरमेंट को कम करने के लिए हमने क्या किया, एक सेपरेट सेक्शन बनाया जिसका नाम रखा गया रीजनरेशन सेक्शन, और उसमें जो पास्चराइज्ड मिल्क होगा उसी से हम लोग हीट एक्सचेंज करते हैं। ठीक है, और इसी की एफिशिएंसी हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि कितना टेम्परेचर रीजनरेशन सेक्शन में मिल्क का बढ़ा। ठीक है, कितना टेम्परेचर बढ़ा और रिक्वायरमेंट कितने टेम्परेचर बढ़ाने तक थी। अब रीजनरेशन एफिशिएंसी का मतलब क्या हुआ कि रीजनरेशन सेक्शन में कितना मिल्क का टेम्परेचर बढ़ा और कितना टेम्परेचर हमें एक्चुअल में बढ़ाना था पाश्चराइजर में। ठीक है, अब मिल्क का टेम्परेचर हमारा 5 डिग्री सेल्सियस पे आ रहा था। ठीक है, और इंक्रीज करना था अप टू पाश्चराइजेशन टेम्परेचर। ठीक, सो टोटल टेम्परेचर हमें मिल्क का कितना इंक्रीज करना था पाश्चराइजेशन सेक्शन में, दैट इज 75 माइनस 5, दैट इज 70 डिग्री सेल्सियस। इतना टेम्परेचर हमें एक्चुअल में इंक्रीज करना था, लेकिन रीजनरेशन सेक्शन के बाद हमारा टेम्परेचर कितना इंक्रीज हो रहा था, अप टू 65 डिग्री सेल्सियस। दैट मीन्स 60 डिग्री सेल्सियस हमारा टेम्परेचर किस में इंक्रीज हुआ, सिर्फ रीजनरेशन सेक्शन में ही इंक्रीज हुआ। तो रीजनरेशन एफिशिएंसी हमारी क्या हुई, विल कैलकुलेट रीजनरेशन एफिशिएंसी बाय वन सिंपल फॉर्मूला। रीजनरेशन एफिशिएंसी इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ मिल्क आफ्टर रीजनरेशन सेक्शन, ठीक है, माइनस इनलेट टेम्परेचर डिवाइडेड बाय पाश्चराइजेशन टेम्परेचर माइनस
इनलेट टेम्परेचर ऑफ मिल्क मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है। सो बाय यूजिंग दिस पर्टिकुलर रिलेशन वी कैन कैलकुलेट द रीजनरेशन एफिशिएंसी। अगर हम कैलकुलेट करें, दिस वन इज द पाश्चराइजेशन टेम्परेचर, 5 डिग्री सेल्सियस इज द मिल्क इनलेट टेम्परेचर, 65 डिग्री सेल्सियस इज द टेम्परेचर आफ्टर रीजनरेशन एंड 5 डिग्री सेल्सियस इज द मिल्क इनलेट टेम्परेचर। सो बाय कैलकुलेटिंग दिस वी गेट, व्हाट वी गेट, 60 डिवाइडेड बाई 70 मल्टीप्लाई बाई 100, 85.7%, ठीक है। सो दैट इज द एफिशिएंसी ऑफ द रीजनरेशन एफिशिएंसी ऑफ द पाश्चराइजर, ठीक। तो डेयरी प्लांट्स में जब भी पाश्चराइजर परचेज करते हैं तो हम लोग रीजनरेशन एफिशिएंसी देख के परचेज करते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट द पर्टिकुलर टॉपिक, वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।